हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूटराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर हो जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं ये यूटराइन फाइब्रॉइड्स? कई बार क्या होता है कि यूट्रस के अंदर कुछ फ्लैशी मासल सी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये यूट्रस की वॉल में होती है। वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। वो जो मांसल सा एक सिस्ट सी बननी शुरू होती है, जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं या फाइब्रॉइड कहते हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। कई बार इसकी जो सिम्टम आने शुरू होते हैं बॉडी में, हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या पेट में दर्द रहने लगता है, बहुत अनईजी फील होता है हर समय। मूवमेंट जो हमारा बैठने उठने का है, जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ट्यूमर, तो एक अनईजीनेस आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी सिम्टम नहीं आता, पीरियड्स भी रेगुलर चल रहे होते हैं और सभी तरह से एकदम नॉर्मल फील कर रही होती हैं जो भी सफरर हैं, लेकिन यूट्रस में फाइब्रॉइड का बनना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और जानते हैं कि ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में, ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका कारण जानेंगे कि क्यों हो जाते हैं ये फाइब्रॉइड यूट्रस में। फ्रेंड्स, जितने भी नोन रीज़न हैं, जितने भी कारणों का हमें पता है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हेरिडिटी का भी रोल है कि अगर मदर को था तो उसकी डॉटर को भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि फाइब्रॉइड हो। साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस में एक बहुत बड़ा कारण है कि पीरियड्स बहुत अर्ली एज में अगर शुरू हो गए हैं तब भी फाइब्रॉइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में जो लेडीज़ हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनको भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, मतलब एक बैलेंस डाइट ना लेना, उसकी वजह से भी ये फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई एक कारण हम नोन नहीं कह सकते कि जिसकी वजह से ये फाइब्रॉइड हो सकते हैं। बहुत सारी बार तो एक अननोन ही कोई रीज़न होता है कि किस वजह से हो गया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं फाइब्रॉइड। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या उस दौरान पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार जो एक कंसीविंग एज होती है, वहाँ कंसीव करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। साथ में पीरियड्स, दो पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या क्लॉटिंग आनी शुरू हो जाती है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लोअर एब्डोमेन में एक अनईजीनेस आने लगती है या बैठने उठने में जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये फाइब्रॉइड बन गया है, उसको खुद महसूस होने लगता है, कुछ हैवीनेस फील होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो भी ये सारे मैंने आपको लक्षण बताए, ये भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी सिम्टम नहीं आता, पीरियड्स भी नॉर्मल चल रहे होते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन अंदर यूट्रस में कोई ग्रोथ फाइब्रॉइड की बन रही होती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, एक्यूप्रेशर की हेल्प से। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट फ्रेंड्स आपको बताऊँगी। अब हमने ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ब्योल मैग्नेट की हेल्प से बताने शुरू कर दिए हैं। क्या होती है ब्योल मैग्नेट? एक तरफ से पीली होती है एंड एक तरफ से वाइट होती है। जब भी हमें एनर्जी को घटाना होता है तो हम वाइट कलर को स्किन पे टच कराते हैं। कैसे लगाएंगे स्किन पे? एक सर्जिकल टेप लेंगे और उस पर हम इस तरह से मैग्नेट को लगाएंगे ताकि ये जो वाइट वाला पार्ट है ये स्किन को टच करे। और जब भी हमें एनर्जी को बढ़ाना होता है तो हम इस तरह से लगाते हैं मैग्नेट को ताकि येलो वाला पार्ट जो है वो हमारी स्किन को टच करे।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें ट्रीटमेंट करना है उससे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि ये मैग्नेट्स कई लोग पूछते हैं जिनके पास नहीं है कि हम ये कहाँ से लें। इसके लिए फ्रेंड्स हमने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बना दिया है जिसमें कि उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिसकी कि हमें ज़रूरत पड़ती है सभी कॉमन ट्रीटमेंट्स को करने के लिए। उसके ऊपर फ्रेंड्स एक वीडियो भी बनाई है जिसमें इन सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस भी आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आपको दे रही हूँ, आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। साथ में अगर आप ये किट ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है मेरा, आप वहाँ जाकर इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम जल्दी से ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट फ्रेंड्स हमारे पाम की साइड आएगा, हथेली की तरफ आएगा। हम अपनी फिंगर्स को इस तरह से दो जगह स्प्लिट करें, दो फिंगर एक तरफ, दो फिंगर एक तरफ। तो जो ये सेंटर लाइन है, जब हम इससे नीचे की तरफ चलेंगे, राइट फ्रेंड्स, जो ये हमारे हाथ में ऊपर वाली लाइन आ रही है इससे थोड़ा सा ऊपर ही हमें ये पॉइंट मिलेगा। मैं आपको ब्लैक कलर लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड में भी मिलेगा एंड हमें ये राइट हैंड में भी मिलेगा। हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें एनर्जी को बढ़ाना होगा, येलो कलर को स्किन पे टच कराना होगा। उससे पहले फ्रेंड्स हम इसको प्रोब की हेल्प से स्टिमुलेट करेंगे, मतलब उस पॉइंट को एक्टिव करेंगे। कैसे, हम प्रोब के इस पॉइंट को वहाँ टच कराएंगे स्किन पे एंड एक प्रेशर देंगे, डीप और सॉफ्ट प्रेशर होगा। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इसको हम 4 से 5 बार कर सकते हैं ताकि हमारा वो पॉइंट स्टिमुलेट हो जाए। एंड वहाँ पर हमें ये येलो कलर स्किन को टच करा देना है इस तरह से। हमें ऊपर से वाइट कलर दिखाई देगा, राइट फ्रेंड्स। ऐसे ही हम इसको लेफ्ट हैंड में लगा देंगे और सेम उसी तरह से राइट हैंड में भी इसको स्टिमुलेट करेंगे, और जो मैंने आपको ब्लैक कलर लगा के दिखाया है उस लोकेशन पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। इस तरह से, राइट फ्रेंड्स, दोनों हाथों में इसको हम लगा लेंगे। हमें कब लगाना है, रात को, रात को लगा के सो जाए एंड सुबह हटा दें। 6 से 8 घंटे हम इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने नोन जो भी आपके नियर डियर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, वो भी इसका ताकि फ़ायदा उठा सकें। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। वीक में एक बार हम लाइव चैट रखते हैं। अगर आपने डिवाइन केयर को सब्सक्राइब किया है फ्रेंड्स तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जब भी हम अपना लाइव चैट रखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।